गुड आफ्टरनून क्लास। अब आपका लेक्चर है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। उस दिन हमने यूनिट टू में हमने कर लिया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बिजनेस प्रोफेशंस करा था, कैपिटल गेंस। अब हम करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्लम्बिंग का, ठीक है। ये हमारा यूनिट टू का लास्ट टॉपिक है, फिर हमारा यूनिट टू भी कम्प्लीट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कहते हैं कि इनकम हमारी हो बट अदर सोर्सेज में यूज़ हो, ठीक है। इसमें क्या है कि द फिफ्थ रेजिडेंशियल हेड ऑफ अ इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एवरी इनकम विच इट डज नॉट अ स्पेसिफिक द फॉल अंडर एनी प्रोसीडिंग ओवर अ फोर हेड्स। इसमें फोर हेड्स बताए गए हैं कौन कौन से हैं, वो आगे हम सेक्शंस में पढ़ेंगे। स्पेसिफाइड होती है इनकम शैल बी इंक्लूड इन द हेड। इसमें स्पेसिफाई इनकम ना इंक्लूड होती है, मतलब एक पर्टिकुलर हेड में। सेक्शन इसमें 56 लगता है और लैंग्वेजेस इसमें यूज होती है कि एनीथिंग इनकम कैन बी डिस्क्राइब बाय द टैक्सेबल अंडर एक्ट, मतलब इसको पे करना ही पड़ता है टैक्स। अब जर्नल इनकम्स कौन कौन सी थी, टाइप इनकम कवर्ड अंडर द हेड दो तरह के हैं, जर्नल इनकम एंड स्पेसिफिक इनकम। जर्नल इनकम में सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 आता है, स्पेसिफाइड इनकम में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 आता है। जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि हर इनकम को इंक्लूड करना है किसकी इनकम के साथ, टोटल इनकम के साथ, अंडर द एक्ट कौन सा था, एंड नॉट अ चार्जेबल इनकम टैक्स बी कैन बी अ फर्स्ट फोर हेड। फर्स्ट फोर हेड्स में नहीं उसको टैक्स को चार्ज करना सेक्शन 14 में, ठीक है। बट जर्नल इनकम का सेक्शन कौन सा, वैसे 56 सबसेक्शन 1 है। इन्होंने बताया कि इंस्टेंट इनकम्स फॉल करेगी सेक्शन 56 में, कौन कौन सी इनकम ड्राइव्ड करेगी, कोल माइन ओनर ने अगर कोल या किसी ने कोई लिया ओनर से लिया उसका भी रेंट और रॉयल्टीज उनको इंक्लूड करनी पड़ेगी फर्स्ट में। सेकंड में बोला उन्होंने कि अगर इनकम हम यूज़ कर रहे हैं, किसी की भी पर्टिकुलरली इनकम कंसिडर नहीं है उन्होंने करी, तो इनकम अर्न करने के लिए जो असेसी पे करेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कितना लाइसेंस कितने में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी भी प्रोबेबिलिटी रेशो बतानी पड़ेगी कि किस रेशो में उन्होंने वो चीज़ों को क्या करा, यूज़ करा, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसमें स्पेसिफाइड इनकम्स में भी इसके लॉज बताए गए हैं, डिविडेंड होना चाहिए, एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए, एनी विलिंग लॉटरीज भी इसमें यूज़ होती हैं, बट क्रॉस कवर्ड पजल्स भी इसमें क्या करते हैं, रिक्वायर्ड की जाती हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम बट गेटिंग क्रैम्बल्स भी इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। कौन कौन से सेक्शंस में यूज़ करी जाती थी, अ विलिंग अ पार्ट ऑफ अ लॉयल्टीज एंड स्क्रोल्ड पजल्स कैन बी यूज्ड बाय रेसिंग अ हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, एनी अदर गेम्स कैन बी यूज्ड 56 सेक्शन सबसेक्शन 2 में यूज़ करी जाती है। कहते हैं असेसमेंट ईयर इसका कौन सा होता है, 1988 to 89 होता है। सम रिसीव्ड असेसी, अगर कुछ रिसीव कर रहा है असेसी इम्प्लॉय से तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जाएगा उसका, जितना उसका पीएफ या एसएफ में यूज़ होगा किसका, एम्प्लॉय का, बट वो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट क्या करेगी, पे करेगी 1948 में, क्लियर। ये सारी प्रोविजंस आप देख लेना। और कहते हैं कि प्रॉफिट एंड गेन है जो बिजनेस एंड प्रोफेशंस हमेशा यूज़ करेंगे सेक्शन 56 में सबसेक्शन 2 में। और इनकम भी इसके परचेज कौन करेगा, मशीनरी या कोई भी अगर प्लांट कहीं पे लगा है वो पर करेगा। बट एक्ट कौन सा यूज़ होगा, एक्ट इसमें वही 1942 वाला यूज़ होगा। असेसी ने पे करा कि लेट्स हायर मशीनरी, प्लांट डेवलपमेंट कितनी या कितनी रिक्वायरमेंट में, और प्रॉफिट हो और गेन बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ हो रहा सेक्शन 56 में, ठीक है। इन्होंने बोला है कि एनी सम रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन में हमने रिसीव नहीं करनी कोई भी मनी, बट एग्रीगेट होनी चाहिए वैल्यू एक्सीड 50,000, एक पर्सन की इनकम होनी चाहिए 50,000 से किसी भी 50,000 से ज़्यादा किसी की भी पर्सन की इनकम नहीं हमने शो करनी। क्योंकि 11/4/2006 में बोला कि बिफोर एंडिंग द अमाउंट ऑफ अ चार्जेबल कैन पे द इनकम रिसोर्सेज ऑफ अ एक्सपेंडिचर्स। ये हमारे किस सेक्शन में यूज़ होगा, सेक्शन 56 में सबसेक्शन 2 में यूज़ होगा। अब इसकी कौन कौन सी कंसिडरेशन हमने यूज़ करी है, इमोवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड करना, ठीक है। इमोवेबल अगर हमने प्रॉपर्टी रिसीव्ड करी है, इंडिविजुअल पर्सन HUF के पास क्या करेगा, प्रॉपर्टी अपनी लीज में रखेगा। अगर प्रॉपर्टी इमोवेबल प्रॉपर्टी है, HUF भी उसके पास देख रहा है, तो 50,000 उसको एक्सीडिंग पावर FM में यूज़ करनी पड़ेगी, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे आगे
नेक्स्ट आता है कि इनकम फ्रॉम फॉलोइंग अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में कौन कौन सी इनकम्स हमने यूज़ करनी है। एक तो पहले हमने डिविडेंड यूज़ करना है। अगर हम डिविडेंड स्पेसिफाइड इंक्लूड करेंगे तो शेयर्स भी हम क्या करेंगे, इजीली हेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉक ऑफ ट्रेड भी हम यूज़ करते हैं, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जितना पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने दिया हुआ है। इसमें सब क्लॉज 1 दिया है कि कहते हैं एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अक्यूमुलेट करती है अगर प्रॉफिट को, एंड अटेन भी करती है, रिलीज भी करती है कंपनी की एसेट को, तो कंपनी क्या करेगी, उनको पे करेगी एक्स्ट्रा डिविडेंड, एक्स्ट्रा फंड। उसमें क्या होगा कि इट मस्ट बी आउट ऑफ अक्यूमुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट भी उनका इंक्रीज होगा, और इट मस्ट बी इंक्लूड द रिलीज द एसेट, एसेट ऑफ कंपनी भी अच्छी होगी। उससे कंपनी की अगर एसेट अच्छी होगी तो उससे उसकी गुडविल भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। सेक्शन 2 सब सेक्शन क्लोज क्या कहता है, बी कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो कंपनी की, बट डिपेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट एंड बोनस के साथ हो, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंगली अगर प्रेफरेंस हम देखते हैं शेयर होल्डर की कितनी है, तो स्टॉक और डिपेंचर्स को देख के ही हम करते हैं, क्योंकि क्यूमुलेट प्रॉफिट हमारा कितना कैपिटल इंक्रीज हो रही है कंपनी में, वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लोज कहता है, सब क्लोज सी कहता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो शेयर होल्डर का, बट लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी क्या होती है, हमेशा इम्प्रूव होती है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी अमाउंट डिविडेंड की इंक्रीज होगी उससे हमें क्या होगा, सच अ मोर प्रॉफिट मिलेंगे, एक्युमुलेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, उससे कैपिटलाइज्ड हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सब सेक्शन 4 क्लोज 4 क्या कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्लोज कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रिडक्शन ऑफ कैपिटल में क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और प्रॉफिट्स हमें मोर होते हैं, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल एक्सेस नीड्स होती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, पे बैक पीरियड इसमें यूज़ होता है, और प्रॉफिट्स भी इसमें क्या होते हैं, अर्न होते हैं, और शेयर होल्डर की रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लोज 5th में कहते हैं कि एनी पेमेंट बाय कंपनी टू अ शेयर होल्डर, अगर पे करी है कंपनी ने, शेयर होल्डर ने पे करी है कोई भी अमाउंट कंपनी को, तो वो क्या कहते हैं कि नॉट सबस्टेंड इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्ट नहीं मतलब क्रिएट कर रहे हो अपनी कंपनी में, तो ये नहीं कि वो आपको पे करी जाएगा अमाउंट, विदाउट पे भी वो आपको शो कर सकता है सेक्शन 56 में, क्योंकि 3 काइंड्स इसमें आती हैं। कौन कौन सी, देखिए, एनी पेमेंट अमाउंट टू बी सम, ठीक है, कोई भी पेमेंट अमाउंट टू बी सम शो कर दे, या बिहाफ ऑफ अ शेयर होल्डर दूसरे पर्सन के बिहाफ से आपको पे कर दे, ठीक है। अगर ए और बी आपस में पार्टनर है, अगर ए ने उसकी लमसम अमाउंट नहीं शो करवाई, तो बी उसको हाफ बी के भी हाफ में हम उसको शो कर सकते हैं ए की अमाउंट को, क्लियर। सी में कहते हैं कि एनी लोन और एडवांस, एनी लोन और एडवांस, कोई भी लोन कोई भी एडवांस हमने पे करना है कंपनी ने, कंपनी को चाहिए कोई भी लोन, तो इंडिविजुअली बेनिफिट शेयर होल्डर वो बैंक से जाके लोन प्रोवाइड कर सकता है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टैक्स ट्रीटमेंट कौन कौन सी है, कहते हैं टैक्स ट्रीटमेंट फॉर डिविडेंड और इंडियन कंपनीज यूटीआई में कौन कौन सी शो करती हैं। पहले तो डिविडेंड होना चाहिए, अगर डिविडेंड होगा कंपनी में तो बोनस भी हमें मिलेगा, अगर बोनस मिलेगा तो कंपनी का इंक्रीमेंट भी ईजिली होगा। कहते हैं कि 1 अप्रैल 2003 में उन्होंने बोला था कि डिविडेंड डिक्लेयर करा था, बट डिस्ट्रीब्यूट करा था इंडियन कंपनी ने बाय म्यूचुअल फंड के थ्रू, ठीक है। फुल एक्सपेंडेड अमाउंट भी उन्होंने क्लियर कर ली थी, बट बोनस भी उन्होंने पे करा था, कंपनी को शेयर्स भी दिए थे, एंड शेयर होल्डर फुल टैक्सेबल मार्केट प्राइस में उनको क्या कर रहे थे, चार्ज कर रहे थे। इन केस नेक्स्ट में बोला, अगर इन केस अगर लोन की ज़रूरत पड़ जाए एक पर्सन को, तो इंटरेस्टेड पर्सन अफेयर करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, बट डीम्ड नहीं वो करेंगे। डीम्ड तो हम पहले भी नहीं करते थे, हमने नेक्स्ट कल भी करा था ना उस दिन परसों, कि बिजनेस प्रोफेशन में भी वो डीम्ड नहीं कर सकते। अगर डीम्ड करेंगे तो उनके ऊपर क्या पड़ेगा, केस पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर डीम करते हैं तो हमें उसके रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए कि हम क्यों डीम्ड कर रहे हैं। 10% अमाउंट हमेशा मिनिमम कहते हैं चाइल्ड को भी पे करनी चाहिए, चाइल्ड की भी कहते हैं अथॉरिटी होती है कि 10% उनको पे करना शेयर्स एक कंपनी में, क्लियर। नेक्स्ट, अगर डीम्ड डिविडेंड हम ले रहे हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों कहते हैं कि फुल टैक्सेबल हो वो अमाउंट, ठीक है, टैक्स के साथ जुड़ी हो वो, यानी कि विदाउट टैक्स ही हमें पे करते रहे। सेकेंड है विलिंगली फ्रॉम द लॉटरीज क्रॉस पजल्स एंड रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस कार्ड गेम्स या गेम्स, कोई भी हम कार्ड्स या कुछ भी हम मतलब गेम्स वगैरह हम वो करते हैं प्ले करते हैं, वो भी इलॉयल्टी है, ठीक है, ऐसे हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विलिंगली लॉटरीज वगैरह होगी, कार्ड गेम्स होगी, हॉर्स रेसेस हो गए, ये भी सेक्शन 56 और सब सेक्शन 2 के अंडर ही क्लियर करते हैं। इनके ऊपर भी कहते हैं अगर अपने प्राइस एक्सीड करना 10,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और मैक्सिममली हॉर्स रेस में प्राइस कितना जाना चाहिए, 5,000 जाना चाहिए, ठीक है, अगर कोई विलिंग नहीं अगर उसको क्लियर करता है, ठीक है।
एंड टीवी गेम शो में भी कहते हैं प्राइस 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, कार्ड गेम्स में भी 10,000 से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए, क्रॉस पजल गेम्स में भी 10,000 से ज़्यादा नहीं क्लियर करना चाहिए। ये डिडक्शंस हैं, ये आप पढ़ लेना कौन कौन से डिडक्टिव टैक्स किस लॉटरीज में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है अमाउंट डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। अब कहते हैं अमाउंट डिडक्ट कैसे करें एम्प्लॉयर की, कहते हैं एनी अमाउंट डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर नॉट कैरिंग द बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी ये यूज़ नहीं होता, बिकॉज कंपनी इनकम टैक्स हमेशा यही कहती है कि टैक्स हर चीज़ का पे करो, विदाउट टैक्स कुछ भी नहीं मतलब हमने वो करना कंसिडर करना, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी गवर्नमेंट के पास, अगर कुछ फंड आएंगे तो वो आपको क्या करेगी लमसम अमाउंट में आपका बिजनेस को क्या करेगी स्टार्टअप कर देगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में कहते हैं कि इंटरेस्ट एनी सिक्योरिटी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स देखती हैं सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, बट इंटरेस्ट डिबेंचर अदर सिक्योरिटी में हमेशा मनी को क्या करते हैं इशू करते हैं वही सेम बात बिहाफ ऑफ अ लोकल अथॉरिटी में, ठीक है, एक पर्सन को छोड़ के दूसरे की बिहाफ में वो अथॉरिटी कंपनी क्या कर सकता है हायर कर सकता है, उसको राइट है सेक्शन 2 में सब सेक्शन 28B में, ठीक है, ये क्लोजेज आप साइड बाय साइड लर्न कर लेना। अब कहते हैं इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट तो आपको पता ही, एक पर्सन जो रिसीव करता है फ्रॉम द अनदर पर्सन से उसको हम क्या कहते हैं इंटरेस्ट कहते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी वही होती है जो सिक्योर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर बेनिफिशियल अमाउंट के लिए, उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक अथॉरिटी जनरल पब्लिक हमें क्या करती है डीम्ड करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कौन कौन से कंटेंट्स सिक्योरिटी में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, स्टेट भी आ जाती है, लोकल अथॉरिटी भी आए, कंपनी भी आती है, स्टैचुरी कॉरपोरेशंस भी आ जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कौन से उसमें करें कि इंटरेस्ट सिक्योरिटी हमेशा अक्यूर करे कि आफ्टर द टैक्स फिक्स्ड पीरियड ऑफ अमाउंट कितनी होनी चाहिए, फेस ऑफ सिक्योरिटी देखनी है, ठीक है। सेकेंडली हमने इंटरेस्ट टैक्सेबल देखना है कि कितना ड्यू में है, एंड असेसी ने रिसीव करना है कि कितने में वो टैक्स पे कर रहा है कितने में नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ये कहती है कि इन्फोर्स्ड पेमेंट में हमने क्या करना है टैक्स को पे करना, विदाउट इन्फोर्मेंस पीरियड में हमने टैक्स को पे नहीं करना, बिकॉज अगर अक्रू कर लेंगे तो डे बाई डे हमें उनको क्या देना पड़ेगा रिजल्ट देना पड़ेगा, और मेच्योरिटी में भी उन्होंने बोला कि डेबिट में भी ओवरनाइट हमें वर्क करके उसका भी टैक्स हमें क्या करना पड़े पे करना पड़े। डिडक्शन ऑफ टैक्स नेक्स्ट पॉइंट है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट अ सोर्स में सेक्शन 193 यूज हो रहा है। इसमें कहते हैं कि बिफोर मेकिंग पेमेंट इंटरेस्ट सिक्योरिटी भी पे कर रही है इंटरेस्ट, बट ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी हमेशा इशू करती है अथॉरिटी की डिडक्ट करें टैक्स, टैक्स वो कहते हैं कम से कम लगाओ, क्योंकि अब तो एक ही सिंपल टैक्स चल पड़ा जीएसटी, जीएसटी में भी सब टैक्सेस आते थे पहले, कहते वो नहीं यूज़ करना, सिर्फ सिंपल एक गवर्नमेंट ही टैक्स को क्या करे इशू करे वो सोर्सेज को यूज़ करने के लिए फॉर द गवर्नमेंट रिजनली होल्डर के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इसमें उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, देख लो किस किस में टैक्स यूज़ नहीं होता। कहते हैं अगर डिविडेंड शेयर लिया पर्सन ने उसके लिए हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट यूनिट हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड का उसके लिए भी हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, अगर बैंक से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी लिमिट है कि 10,000 से ऊपर ले रहे हैं तो 10% हमें चार्ज करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। कहते हैं कि इंटरेस्ट सिक्योरिटी अगर इशू करें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में उसके लिए भी हमें कोई इंडिविजुअली रेट पर असेसमेंट ईयर पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, अगर लोकल अथॉरिटी और स्टैचुटरी कॉरपोरेशन दोनों पे कर रहे हैं उसके लिए भी हमें 10% यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी हमेशा लिस्टेड सिक्योरिटी हो चाहे अनलिस्टेड सिक्योरिटी हो उसके लिए भी हमें 10% ही पे करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में भी करवाया था। विलिंगली चाहे वो विलिंगली लॉटरी का हो, रेस का हो, पजल्स का हो, कार्ड गेम्स का हो, टीवी शो का हो या मूवी वगैरह का हो उसके लिए भी हमें 30% पे करना पड़ेगा, अगर कोई भी रेस्टोरेंट में भी हम कुछ खाते हैं या मूवी वगैरह भी देखते हैं या गेम्स भी प्ले करते हैं उसके लिए भी हमें 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर। क्योंकि ग्रोस नेट इंटरेस्ट वैल्यू उसकी कितनी होती है नेट इंटू 100/100 रेट ऑफ TDS, ठीक है, जितना उन्होंने दिया हुआ हमारा TDS। क्लियर। नेक्स्ट आती हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी है एक्सपेंडेड फ्रॉम द टैक्स, अगर टैक्स एक्सपेंड हो रहा है मतलब कि उसको निकाल के हम इंटरेस्ट कैपिटल की देख रहे हैं कि रेशो कितनी आ रही है वो कौन से सेक्शन में आती है 10, सब सेक्शन कितना था 15, क्योंकि नेशनल प्लान सर्टिफिकेट भी हमें इसमें देखना पड़ेगा, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स भी देखने पड़ेंगे,
ट्रेजर सेविंग डिपॉजिट्स भी देखने पड़ेंगे, एंड स्पेशल उन्होंने जो बॉन्ड्स उन्होंने बियर करे हैं न्यू एक्ट में, जो न्यू पासिस करे हैं उसमें भी हमें क्लियर क्या करना पड़ेगा, 10% सिक्योरिटी रिडीम करके उनको टैक्स क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब रिडम्पशन अमाउंट दिए उन्होंने कि कौन कौन सी पब्लिक कंपनीज में कौन कौन सी नोटिफाइड होती है एक्सेम्प्टेड, ये हमने देख लेंगे। 10% सिक्योर्ड है, इसमें भी सब में 10% ही है, बस जब रिडीम करके नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स निकालते हैं ना उसके ऊपर 9% चार्ज करते हैं टैक्स। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, इसकी एग्जांपल है, देख लो कि 90% 10% पे करेंगे तो 10% में हमारा 1 लाख पे 12% कितना आएगा वो टैक्स पे करना, ठीक है। ये भी ये कौन सी गवर्नमेंट पे करती है लोन, पंजाब गवर्नमेंट लोन पे करती है। क्लियर। ग्रोस इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या, नेट इनटू 100/100 रेट ऑफ TDS को माइनस करना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें से रेट ऑफ TDS को हमने माइनस करना ही करना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटीज़ में भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसके लिए भी सेल सिक्योरिटीज़ को क्या करना पड़ेगा, असेसी को यही करना पड़ेगा कि सिक्योरिटीज़ को हेल्ड करके रखे फॉर द बिजनेस में, चाहे अमाउंट प्रॉफिट में अर्न हो रही है बट चार्जेबल रेट ऑफ टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर। इसमें इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ कौन कौन से देखनी चाहिए, हमें लोकल अथॉरिटी भी देखनी चाहिए, ट्रस्टी रिकॉग्नाइज्ड फंड भी देखना चाहिए, अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च भी देखना चाहिए। क्लियर। एंड पब्लिकली चार्टेबल एंड पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्या करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड इन हैंड द इंडिविजुअल एंड HUF में दोनों चीज़ें आती हैं, गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी। गिफ्ट ऑफ मनी में भी मोनेटरी गिफ्ट आता है, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी में भी सब डिवाइडेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है एंड प्रॉपर्टी आर मूवेबल आती है, ठीक है। इसमें भी मनी को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं HUF में, हिंदू यूनाइटेड फैमिली अगर दे रही है विदाउट कंसिडरेशन, तो 50% एग्रीगेट प्रीवियस ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गिफ्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी में इमूवेबल में कितना देना पड़ेगा, कि टैक्स इनकम जितनी भी है स्टैंप ड्यूटी उनको चाहिए कि 50,000 से ज़्यादा एक्सीड ना करें, क्योंकि इमूवेबल में सेक्शन कौन सा लग रहा है, 56 सबसेक्शन 7 लग रहा है। टैक्स इनकम को निकालने के लिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस कर देंगे एक्चुअल कंसिड्रेशन जितनी हमारी एक्चुअली बन रही है, ठीक है। एंड केस इसमें प्रॉपर्टी का भी वही आएगा कि विदाउट कंसिड्रेशन हमने पे करना, विदाउट कंसिडरेशन हमने पे करना द होल एग्रीगेट FM प्रॉपर्टी में, एंड केस टू में इन एडिक्वेट कंसिडरेशन भी यूज़ होती है बाय द एग्रीगेट FM प्रॉपर्टी माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन में। क्लियर। और बाद में इसके ये समझ आई आप सॉल्व कर लेना, उस दिन मैंने आपको बता दिया था कैसे करने हैं, ठीक है। अब टैक्सेबल अमाउंट चाहे कहते हैं कि रिसीव हो चाहे ना हो, उसको उसके ऊपर भी हमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि पे करो कि कितनी अमाउंट आपने, लमसम अमाउंट आपने यूज़ करी है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 में कहते हैं अब इसमें टैक्सेबल सेंटर अमाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव करेगा, बट क्लोज कंपनी हमेशा इसमें क्या करेगी, इनकम को क्या करेगी, सोर्सेज को देखेगी कि कितनी अमाउंट में जा रहा, और इसमें सेक्शन कौन सा लगेगा, 56 सबसेक्शन 2 लगेगा, और एक्सीड कितने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एक लिमिट उन्होंने गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। और इसको निकालने के लिए इसको फॉर्मूला क्या कि टैक्सेबल सिक्योरिटी प्रीमियम में से हमने एग्रीगेट कंसिडरेशन को रिसीव करना है, जितनी हमारी एग्रीगेशन कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रही है उसमें से माइनस करनी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, जितना फेयर वैल्यू ऑफ मार्केट शेयर हमारा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 7th में है कि इनकम फ्रॉम लेंटिंग अ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर में क्या है कि इफ़ असेसी ऑन प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करे अदर पर्सन की, तो उसके लिए भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम अपनी ज़मीन की बजाय दूसरे की किसी में रह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम किसी का प्लांट या मशीनरी या कोई भी फर्नीचर हम यूज़ कर रहे हैं तो शैल बी अ चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड ऑफ प्रोवाइडिंग अ लैंडिंग, जितना उसका यूज कर रहा है और जितना उसका टैक्स बनता है वो भी हमें गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। 8th पॉइंट है इनकम फ्रॉम लेंटिंग अ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, कहते हैं अगर बिल्डिंग भी हमने यूज़ करी है एज अ रेंटल ऑफ असेसी, तो असेसी को चाहिए कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी उसके डिडक्शंस को क्या करें, ऐड ऑन करें। 9th में कि एनी सम रिसीव्ड अंडर द कैम इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसीज हम अडॉप्ट कर रहे हैं, कस्टमर ले रहा है असेसी ले रहा है उसको, तो ये सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 में यूज़ करेगा, क्योंकि ये इसके हेड ऑफ सैलरीज कौन कौन बनाता है, बिजनेस एंड प्रोफेशंस। क्लियर। 10th में है कि इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड करा कंपनसेशन हुई है, मतलब कंपनसेट हुआ है, इनहांस द कंपनसेशन कहते हैं
56 सेक्शन 2 में ये कहती है कि इफेक्ट करे असेसमेंट 2010-11 ईयर में, बट इंटरेस्ट जो भी हम रिसीव्ड करेंगे वो कंपनसेट किस में होनी चाहिए, इनकम ईयर में होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो रिसीवेबल अमाउंट है वो इनकम ईयर में ही ट्रीट हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो कहते हैं बस क्लियर हो कि असेसी कितना उसको पे कर रहा है एट अ लमसम अमाउंट, और आफ्टर इनका टाइम होता है 1/6/2010, ठीक है। फॉर्चून ऑफ एडवांस द रिसीव्ड में है कि नेगोशिएशन हमेशा रिसीव्ड कर लेते हैं, सेल हो जाती है कैपिटल की, बट एसेट एंड एनी सम रिसीव्ड कंपनी क्या करती है, एडवांस करती है फ्रॉम द इनकम अदर रिसोर्सेज में, एंड इनकम हमेशा रिसीव्ड होके क्या हो जाती है, क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन इसमें कौन सा यूज़ हो रहा था, 56 सब सेक्शन 2। अब सेक्शंस आपने लर्न करने हैं, क्लियर। अगर किसी को भी डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो गया, एग्रीगेशन ऑफ इनकम रह गया वो हम कल कर लेंगे, क्लियर। थैंक यू क्लास, और अपने अटेंडेंस मार्क कर दिया करो।